आपका जो पार्टी का रुख रहा 370 पर, राम मंदिर पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, दशकों से है, चला आ रहा है, आप इस पर डटे हुए हैं आज भी, तो आज जब आप प्रवक्ता के तौर पर ऐसी बातें कह सकते हैं कि वहां पर अधिकार है, कि उसकी उसकी विवेचना होनी चाहिए कि हमारा शिवलिंग वहां पर है या मथुरा में कृष्ण जी की जन्मस्थली मस्जिद के नीचे है, तो इस पर वैसा ही रुख लीजिए और यू ये जो 1991 का कानून है इसको हटाइए, आप हटा सकते हैं। आपने जो बात कही वो बहुत सही है, चूंकि 1991 का कानून कोर्ट में चैलेंज हो गया है और यदि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया होता तो वो जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा नहीं था, तब हम उस पर लेजिस्लेटिव एक्शन ले सकते थे। आज चूंकि कोर्ट ने उसको हियरिंग के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, अभी कोई करने से जुडिशियल प्रोसेस में हस्तक्षेप होता। जहां तक स्टैंड की बात है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो पूरी तरीके से गलत था और हमने उस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पहुंचेगी, सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि भाई 91 की एक्ट की रोशनी में ये कार्रवाई नहीं हो सकती, तो फिर आप वो कानून बदल देंगे? सर हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप डिफाइंड ही नहीं है। What is worship? ये defined नहीं है। Status of worship defined नहीं है। बगैर definition के बना हुआ act है तो वो हो ही नहीं सकता। दो बातें कह दूं कि अगर आप ये संभव है कि आपके अधिकार ऐसे हैं तो आप बनारस से वो केस विड्रॉ करा लीजिए, क्योंकि उनसे ज्यादा विद्वान तो ये हैं जो वकील वहां बहस कर रहे हैं, उसको बहस यहीं करा दीजिए, यहीं पर तय हो जाएगा सारा मामला। क्यों हम इतना लंबा खींचे उसको कि वहां पर फैसला हो फिर कहीं और फैसला हो? लेकिन दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने, जिन्होंने अयोध्या मंदिर राम मंदिर के संदर्भ में फैसला दिया है, उन्होंने 91 के एक्ट पर भी फैसला दिया है। अब ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं था, नहीं देना चाहिए था, गलत है, समझे नहीं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला है कि 91 का एक्ट बरकरार है, अभी है ये फैसला। तो अब ये अभी तो ये मुझसे कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, शरिया को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रखते हैं, अब मेरे इनकी बात से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ये नहीं मानते हैं, जितना इनके फायदे का है वो मान लेते हैं, जितना इनके फायदे का नहीं उसको नहीं मानते। ये तो कह रहे हैं कि हम चाहें तो पार्लियामेंट्री अपनी ताकत के बूते बदल सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट में चैलेंज हुआ है, कोर्ट से खारिज हुआ है। तो कोर्ट में चैलेंज हुआ है तो कहें और ये कहें कि ये चैलेंज बेकार है, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस चैलेंज को पहले से रद्द कर रखा है, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट से आगे बढ़ते हैं, हम इसको बदल देते हैं। जब जैसे ट्रिपल तलाक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्होंने नहीं माना और एक कानून बना दिया, तो इस पर भी एक कानून बना दें, क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा। एक दफा ये तय हो ले कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ अपने काम के लिए रखना है या सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्ष रूप से इस मुल्क के फैसले करने देना है, क्या करना है। कभी कभी उनके फैसले हमको कष्ट देंगे, हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा सही नहीं हो सकते, लेकिन ये नहीं मानने को तैयार हैं कि कभी ये भी गलत हो सकते हैं। इनको सिर्फ ये कहना है कि आप गलत हैं, हम सही हैं। जब भी कुछ बुरा होगा तो उसका आरोप आप पे लगेगा, जब भी कुछ अच्छा होगा तो उसका श्रेय हम लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना किसी कानून की बात से अलग हट करके कि अयोध्या विवाद एक बहुत बड़ी बात थी, वो विवाद खत्म हुआ, आज देश में शांति है, राम मंदिर बन रहा है, सबको खुशी है, अब और जगहों पर विवाद ना बढ़ाया जाए ये कहा जाता है। आपने बहुत सही बात कही, विवाद किस बात पे भाई, विवाद किस बात पे, मतलब ये तो वो स्थिति हो गई कि मैं तो खुद कहता हूं भाई इस्लाम तो अमले रसूल है ना, अमले बादशाहत नहीं, तो कभी बाबर के नाम की मस्जिद के लिए लड़ाई, कभी औरंगजेब के लिए लड़ाई, अरे बादशाहों के कर्मों को अपने ऊपर क्यों ओढ़ना, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि विवाद समाप्त कर दीजिए। एक बार ईमानदारी से कहिए कि जो भी पूर्व काल में अत्याचार हुए, जो नृशंस घोर अत्याचार हुए, उन सब से हम अपना संबंध विच्छेद करते हैं, अन्यथा कोई ये कहे आज के जर्मनी में कि साहब ज्यूज और जर्मन्स के बीच में भाईचारे का प्रतीक ये रहेगा कि कोई जर्मन खड़े होकर यह कहे कि एडोल्फ हिटलर, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ आइकमैन और हरमन गोरिंग ने जो ज्यूज का होलोकास्ट किया था वो हमारे लिए गर्व की बात है, औरंगजेब को आकर लोग टीवी चैनल पर रहमतुल्ला अल सले बोलेंगे, 2007 में उसकी 300वीं वर्षगांठ मनाएंगे और फिर कहेंगे भूल जाओ पुरानी बात। अरे मैं तो कह रहा हूं साहब भूलने को तैयार है, आप तो भूलने को तैयार हो, आप बाबर तुगलक औरंगजेब इशरत जहां याकूब मेनन जाकिर नायक बुरहान वानी से जोड़ने को तैयार हैं, क्यों नहीं अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना, इतने बड़े कृष्ण भक्त कवि सैयद इब्राहिम रसखान जिन्होंने कहा मानुस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के कारण, इतने बड़े कृष्ण भक्त कवि फारूक आलम शेख और तो औरंगजेब, ये कहते गंगा जमुनी तहजीब, ये शब्द कहां से आया। औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिको, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, मतलब दो समुद्रों का मिलन, और इतना ही नहीं उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया,
उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, वर्ड्स ऑफ गॉड, वहां से वो लैटिन में और वहां से जर्मन में ऑर्थर शोपेनहावर ने ट्रांसलेट कराया, और उस दाराशिकों का सर काट के थाली में सजा के जेल में बंद अपने बाप को देने वाला वो गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, और दाराशिको नहीं। अरे भाई आप दाराशिको से जोड़िए आप उसके बाद, और लास्ट में बात कर दो, लेटेस्ट आता हूं, डॉक्टर एबीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदा आलम इस्लाम में नहीं पैदा हुआ, उनके नमाज जनाजा में कितने सेकुलर गए थे पूछता हूं। बुरहान वानी, याकूब मेनन, इनके लिए खूब बयान, और उनके जाएंगे आतंकवादियों के में, डॉक्टर कलाम के में नहीं गए। उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले शहनाई बजाई थी, कितने लोग गए थे उनके नमाज जनाजा। 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85 वर्षगांठ हुई, सिर्फ भाजपाइयों के अलावा कितने लोग गए थे मैं पूछना चाहता हूं। ये बताइए, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का घर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, वहां जाएंगे आजमगढ़ गाजीपुर में आतंकवाद के आरोपियों के सिद्धा करेंगे, कितने लोग गए वहां। समस्या हिंदू मुस्लिम की नहीं है, मुस्लिमों में कट्टरपंथी मानसिकता है और उसी को उनका प्रतिनिधि बना दिया गया है और उसी से कहा जाता है एडजस्ट करके रखना, समस्या ये। इसका जवाब सलमान साहब ने, आप तो इतनी बात का जवाब दीजिए, आप क्या चाहते हैं। अभी आपने कहा कि कम से कम मुस्लिम समाज इस बात को स्वीकार करे कि मुस्लिम बादशाहों ने, शासकों ने अत्याचार किया, जुल्म किया, मंदिरों को ध्वस्त किया, उन पर मस्जिदें बनाई, उसके बाद क्या फिर आप जो लिस्ट लेकर, आपके पास कोई लिस्ट है कि वो सारे उन ऐसी मस्जिदों को आपको दे दें या हिंदू समाज को दे दें और उन्हें तोड़कर फिर वहां मंदिर बना दिया करना, मतलब वैसे हासिल क्या करना चाहते हैं। वैसे लिस्ट हम की बात नहीं कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी के समय में जब डिस्कशन हो रहा था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के समय में, उस समय विश्व हिंदू परिषद की तरफ से स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने मौलाना अली मियां, जो नदवातुल उलेमा लखनऊ के चांसलर रहे थे, उनके स्टेटमेंट और एक लेख को कोट किया था जिसमें 3300 मस्जिदों का उन्होंने उल्लेख किया था जो उनके हिसाब से मंदिर को तोड़ के बनाई गई। किन-किनों ने? मौलाना अली मियां ने। तो सत्यमित्रानंद गिरी जी ने बोला था कि इसमें से सिर्फ 3 हमें दे दीजिए, बाकी हम सब भूलने को तैयार है। मगर उस समय जो भी लोग थे बाबरी मस्जिद के पक्ष में, चाहे वो जिस भी प्रकार से रहे, उन्होंने उसके लिए कोई बात मानने को तैयार नहीं हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको बताया इस देश में कितनी मस्जिदें, 3 लाख। इसीलिए तो मैंने कहा ना, अगर आपके लिए वो चीज का वही अकीदा हो जो हमारे लिए है, आप बताइए कि साहब काशी में हमारे लिए ज्ञान व्यापी का उल्लेख, एक बात बड़ा लॉजिकल सुनिए, पूरे शहर का करेक्टर प्योर रिलीजियस हिंदू, काशी मोहल्ले का करेक्टर प्योर रिलीजियस हिंदू, उस जगह का करेक्टर ये खुद मानते हैं, ये बगल में भी मंदिर है, यहां भी मंदिर है, यहां भी मंदिर है, ये बीच में मस्जिद अपने आप बनी थी, और बादशाह गाजी जिंदा पीर, बादशाह आलमगीर अपने आप जाके बनवा दिए थे, ये बात तर्कसंगत लगती है। ठीक ठीक, सलमान, देखिए बातें बातें ये बहुत अच्छी कर लेते हैं लेकिन यही हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज वो यही है, ये बातों का ही चैलेंज आज हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन तब भी एक बात कहूंगा, 3 बातें कहता हूं, पुरानी बातें फुला दें, पुरानी बातें छोड़ दें, ये अच्छी बात है, सभी को छोड़नी चाहिए पुरानी बातें। लेकिन अभी 2 दिन पहले किसी को देखा, उसने कहा कि मुझे गर्व इस बात का है कि गॉडसे ने महात्मा गांधी को मारा, गर्व मुझे इस बात का है। तो हम महात्मा गांधी को भी भुला दें, वो भी पुराने हो गए, उनको भी भुला दें, जो गॉडसे पे गर्व करता है उसको हम स्वीकार कर लें। कल को आप मुझसे ये कहेंगे कि यहां जितने लोग बैठे हैं सब हिंदू हैं, आप कहां बीच में से आ गए मुसलमान। अरे यही तो विचित्रता है हमारे देश की, डाइवर्सिटी यही तो है कि हम हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, हमारे एक ही साथ हमारे मंदिर और मस्जिद हैं। ये सही है कि आज ये विवाद बन चुका है, आज ये विवाद बन चुका है। लेकिन मैं तो ये कहता था कि राम मंदिर का समझौता क्यों नहीं करते, जब तुमने काशी का समझौता किया और मथुरा का समझौता किया और एक साथ पूजा भी होती। लेकिन आज वो समझौता ही चैलेंज हुआ कोर्ट में, क्यों समझौता करने वाले कौन होते थे, समझौता कौन करने वाले थे, तो ये कौन से थे कि 3 दे दो हम सब माफ कर देंगे, ये कौन थे। लेकिन देखिए ये सारी बातें, अगर झगड़े को बढ़ाना है तो आप कुछ कह के भी बढ़ा सकते हैं। फिर वो साथ साथ एक ये बात भी कह रहे हैं कि पहले स्वीकार तो करें कि भाई हाँ ये ऐसा हुआ था, हाँ मंदिर तोड़ा था, यहाँ मस्जिद बनाई है। तो फिर इनको भी तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कितने ही विहार तोड़े गए बुद्धिस्ट के, कितने विहार तोड़े गए बुद्धिस्ट के, वो हमने तो नहीं तोड़े, वो किसने तोड़े। इनको और हमको मिलकर ढूंढना पड़ेगा कि किसने तोड़े, उनको भी तो न्याय दो, क्योंकि आज वो पार्लियामेंट में बहुमत नहीं ला सकते इसलिए उनको न्याय नहीं मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।